बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम टू क्लास। उम्मीद है बेटा आप लोग अपने घर वालों के साथ सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। शाबाश बेटा, अपनी बुक्स ओपन करें, हम नेक्स्ट अपना काम स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर है 26। कल हमने फर्स्ट पॉइंट की रीडिंग की थी और साथ हमने थिंक किया था। उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से लर्न किया होगा और साथ आप लोगों ने, सब बच्चों ने होमवर्क भी किया होगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखें। डेट लगाई ऊपर शाबाश पहले। पॉइंट नेम है ईदुल अजहा। ईद जो होती है, हम ईदुल अजहा को ईदुल अजहा यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, ईदुल अजहा इज आल्सो कॉल्ड द फेस्टिवल त्यौहार ऑफ सैक्रिफाइस, कुर्बानी का। ईदुल अजहा को कुर्बानी का त्यौहार भी कहा जाता है। ईदुल अजहा इज सेलिब्रेटेड, ईदुल अजहा मनाई जाती है टू ऑनर, याद में प्रॉफिट इब्राहिम अलैहिस्सलाम। ये ईद हम प्रॉफिट पैगंबर इब्राहिम अलैहिस्सलाम की याद में मनाते हैं। ऑनर मीन याद या फिर इजाज। ट्रीट टू सैक्रिफाइस हिज ओनली सन इस्माइल अलैहिस्सलाम टू गॉड, जिनमें इतना हौसला ये जज्बा था कि वो अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान कर सकते थे। ठीक है बेटा, आपने ये वाक्य सुना है कि अल्लाह ताला ने हुक्म दिया था हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कि वह अपने बेटे की जो है वो कुर्बानी दें, तो उन्होंने जो है वो ख्वाब में देखा था, तो उन्होंने ना जो है हमारे प्यारे नबी जो हैं इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने मना किया, ना उनके बेटे ने मना किया, बल्कि दोनों अल्लाह ताला की खुशी में राज़ी हो गए और वह अपने बेटे को कुर्बानी जो है वो करने के लिए ले गए थे। तो तब भी अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, अल्लाह ताला को दोनों का ये अमल इतना पसंद आया, अल्लाह ताला ने फिर उनकी जगह हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पे दुब्बा भेज दिया था कि आप इसकी कुर्बानी करें। तब से ये हम जो बड़ी ईद है, इस पर जब हम जो जानवरों की कुर्बानी करते हैं, तो ये बात तब से चली आ रही है कि हम जो है वो उनकी याद में, उनकी इज्जत में, कि उन्होंने अल्लाह ताला का हुक्म मानने से इनकार नहीं किया बल्कि ख़ुद को कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए, तो हम उनकी याद में ये ईदुल अज़हा जो है मनाते हैं और भी जानवरों की कुर्बानी भी करते हैं। ठीक है बेटा, अब समझ आ गया आप लोगों को। तो हमें भी चाहिए कि हम भी अल्लाह ताला का ऐसे हुक्म माने। अब देखें, वो पैगंबर थे, वो बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत बड़े इंसान थे, अल्लाह ताला का हर हुक्म मानते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी मुसलमान हैं, लेकिन हम जो है हमें भी चाहिए कि हम भी है अल्लाह ताला के हर हुक्म माने, उनके जो है वो अतात करें, जैसे अल्लाह ताला ने हमें हुक्म दिया हम वैसे ही काम करें, ताकि हम भी अल्लाह ताला की नज़र में अच्छे इंसान बन सकें। ठीक है, आगे देखें। ऑन ईद उल अज़हा द मुस्लिम स्टार्ट डे बाय गोइंग टू मस्जिद। ईद उल अज़हा को मुसलमान अपना दिन जो है वो मस्जिद, सबसे पहले मस्जिद जाते हैं फॉर प्रेयर्स एंड नमाज के लिए। आफ्टर सेइंग ईद प्रेयर्स, ईद की नमाज के बाद दे सेक्रीफाइज अ शीप, वो कुर्बानी करते हैं भेड़ की, अकाओ गाय की, एंड शेयर द मीट, और फिर गोश्त को बांटते हैं विद नेबर्स, अपने हमसायों में, फ्रेंड्स दोस्तों में, रिलेटिव्स रिश्तेदारों में, एंड द पुअर और गरीब में। ये बात भी हमें पता है कि ईद उल अज़हा पे जब कुर्बानी करते हैं, कुर्बानी करने के बाद गोश्त को फिर जो है वो डिवाइड किया जाता है, उसको डिवाइड करने के बाद फिर जो गोश्त जो होता है उसको बारी बारी बांटते हैं। ठीक है, उसके जो है वो पार्ट्स बनाए होते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग हम उनको बांटते भी हैं। वो गरीबों के लिए होता है एक हिस्सा जो है वो अपने लिए होता है, और एक हिस्सा किसके लिए होता है, हमसायों के, अपने रिश्तेदारों के लिए, सॉरी, शाबाश। तो तीनों हिस्सों के फिर जो है वो एक बार पहले डिवाइड करते हैं, फिर उसको बांटते हैं, ताकि हर किसी को उसका हिस्सा मिल सके। तो बेटा यहाँ तक आप अपनी रीडिंग की डेट लगा लें। ठीक है, नेक्स्ट फिर एक्सरसाइज पे आए। ये क्वेश्चन नंबर 1 हमने कर लिया था, क्वेश्चन नंबर 2 आज हम करेंगे। विच फेस्टिवल इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, कौन सा त्यौहार है जिसको हम कुर्बानी का त्यौहार कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपने होमवर्क में भी राइट करना है। पेज नंबर 27 पे देखें इसका आंसर, थिंग्स आई हैव लर्न की जो थर्ड वाली लाइन है। ठीक है, ईद उल अज़हा इज नॉन एज द फेस्टिवल ऑफ सेक्रीफाइस, ईद उल अज़हा जो है उस त्यौहार को हम कुर्बानी का त्यौहार कहते हैं, या वो कुर्बानी का त्यौहार माना जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है, इसे हमने लर्न भी करना है और इसके साथ आपने इसका होमवर्क में भी करना है। पिक बना के अपने ग्रुप में लाजमी सेंड करें, ताकि आपकी अटेंडेंस लगाई जा सके। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फी मानिला।